गुरिंदर ने लगाए परी को जोरदार थप्पड़। सबके सामने नीति ने की अपने गुनाह कबूल। कल इस टीवी शो परिणीति के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे जो कुछ भी राजीव के साथ हुआ है, इसके लिए गुरिंदर परी को जिम्मेदार मानती है। गुरिंदर को लगता है कि राजीव की लाइफ में जब से परी आई है, राजीव के साथ सिर्फ गलत हो रहा है। गुरिंदर परी को जोरदार थप्पड़ लगाती है, उसे डांटती है और साथ ही ये भी बोलती है कि अब परी का उसके घर वापस जाने का वक्त आ गया है। वहीं परी को भी ऐसा लगता है कि सच में राजीव की लाइफ में परी मुसीबत बन गई है। परी को बचाते हुए राजीव की जान अब खतरे में पड़ गई है, तो परी अब सोचती है कि उसे सच में राजीव से दूर हो जाना चाहिए। राजीव की हालत देखकर नीति भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। नीति पैनिक करती है और सबके सामने ये सच बताती है कि जो कुछ भी राजीव के साथ हो रहा है उसमें परी की नहीं बल्कि नीति की गलती है। नीति रोती है, राजीव की हालत के लिए सबसे माफी मांगती है और साथ ही बोलती है कि बेबे को सब कुछ मालूम है, बेबे से आप सब पूछ सकते हैं। नीति बेबे को बोलती है कि बेबे आप आज सबको सच बता दीजिए। बस गलती से ही सही, लेकिन नीति ये कन्फेस कर चुकी है कि राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब नीति की साजिश के वजह से हुआ है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला कि नीति का सच सबके सामने आने के बाद क्या होगा, घर वालों का रिएक्शन, क्या ये भी होगा कोई ड्रीम सीक्वेंस, या फिर जब नीति को रियलाइज होगा कि वो सच बोल रही है, नीति बदल देगी अपनी बातों को। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।